रायपुर से थाना बिटूर क्षेत्र के मंदना निवासी देवी शंकर तिवारी और उनके बड़े बेटे वासुदेव तिवारी पुत्र वधु के साथ पारिवारिक बात को लेकर 10 दिन पूर्व मारपीट झगड़ा दोनों के बीच हो गया था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो दोनों तरफ से ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पंजीकरण किया। कई दिन बीत जाने के बावजूद थाने स्तर से कोई कार्रवाई न होने पर दोनों परिवारों में आपस में रजामंदी करके अपनी गलती को मानते हुए मुकदमा खत्म करने का फैसला लिया और आपस में मिलजुल कर रहने का मन बनाया। आगे भविष्य में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो उसके लिए हमेशा दोनों ही पक्ष आपस में रजामंदी बनाकर चलेंगे, जिसकी सूचना आज अपर पुलिस आयुक्त ऑफिस के समक्ष दोनों ही पक्ष पेश होकर आपस में रजामंदी से रहेंगे और कोई विवाद नहीं करेंगे। झगड़ा हो गया, उसने अपने ससुराल वालों को बुला करके हमारे साथ हमारे परिवार के साथ झगड़ा फसाद किया। ये बताइए, संबंधित थाना बिटूर में हमने शिकायत की थी, क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, कार्रवाई आगे की जाएगी। क्या कोई कार्रवाई हुई? अभी तक साफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारे। आज ये बताइए, सिम पुलिस आयुक्त के यहाँ आए? किस लिए आए? आए अपनी फरियाद लेकर के, और लता कह रहा है कि हम समझौता कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि समझौता दबाव में है या आपके सहमति से? आपसी सहमति से हम समझौता कर लेंगे। क्या फरियाद लेकर यहाँ पहुँचे हैं, किस लिए आए हैं? लेकर के आए हैं कि अगर आपसी समझौता हो जाता है तो हमारा विवाद समाप्त कर दिया जाए। हमारी जो है ना, क्या आपको कोई अंदेशा है इसलिए आप हमने थाने में गए थे? हम थाने में गए थे तो हमने अपनी फरियाद कर रखी कि इन लोगों ने जो हम लोगों के ऊपर रिपोर्ट कराई है, थोड़ी देर बाद हमारी रिपोर्ट के थोड़ी देर बाद वो रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है और वो निराधार है। बातें सब उसमें जो लिखी है वो सब निराधार है। तुम्हारे पर आरोप लगा कि मारपीट करते हो या तुमने मारपीट किए, माता पिता को मारा है, क्या मामला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ी सी कमियां हम लोगों में थी, बाकी उधर भी थी, सब हो जाता है, घर में होता है, झगड़ा वगड़ा होता रहता है। ठीक है, अब सब दूर हो गया है, हम सब वो हमारे माता पिता हैं, हम उनके लड़के हैं, हम ही उनके सहारा हैं और आगे से अब नहीं ऐसा कुछ होगा। उन्होंने भी बोल दिया है, हमारी बहू बेटी है और हमारा लड़का है बड़ा। क्या है, बात क्या हुई थी? हो जाता है, सब एक घर में रह के सब कुछ हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है, हम सब एक परिवार के हैं, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। छोटा भाई है, हम सब एक साथ रहेंगे। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, JK न्यूज़।